शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि तरल पदार्थों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। शरीर में तरल पदार्थों की कमी से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और पानी की कमी होने से कई तरह की समस्याएं भी हो सकती। डिहाइड्रेशन होने पर अक्सर बहुत प्यास लगती है और पानी पीने के बावजूद भी प्यास नहीं बुझ पाती है। इसके अलावा कब्ज, ब्लड प्रेशर कम होना, बार बार पेशाब आना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, जीभ और होंठों का सूखना, सिर दर्द होना, सांसों का तेज होना जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन की समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे और वयस्क इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आइए जानते हैं किस तरह आप घर पर ही डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं हाइड्रेशन से जुड़ी गलतियां जो आप अक्सर करते हैं। पर्याप्त पानी नहीं पीना। आपके शरीर को खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ से पानी के सेवन के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुरुषों को हर रोज लगभग 3.7 लीटर और महिलाओं को हर रोज 2.7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति का शरीर अलग प्रकार का होता है और उन्हें अलग अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सक्रिय हैं या गर्मी में बाहर ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको पूरे दिन जो व्यक्ति घर में बैठे रहते हैं उनकी तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खाली पेट पानी पीना। अगर आप डिहाइड्रेशन की समस्या से पीड़ित हैं तो आपके लिए खाली पेट सादा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में आपको संतरे के रस और दूध जैसे अन्य पेय पदार्थ आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए मददगार हो सकता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में पानी को अवशोषित करने और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी को भोजन या नाश्ते के साथ पिएं, इससे शरीर में अन्य पोषक तत्वों की भी कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ भा रहेंगे। वर्कआउट के बाद पानी ना पीना। वर्कआउट के दौरान आपका शरीर पसीना निकालता है, साथ ही आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। वर्कआउट करने से पहले और बाद में पानी ना पीने से आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो शरीर से पसीने के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। हर व्यक्ति के शरीर से अलग अलग मात्रा में पसीना निकालता है, इसलिए वर्कआउट करने से पहले और बाद में पानी पीने से आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलता है। हाइड्रेशन के लिए केवल पानी पीना। यह सच है कि कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट और अन्य खनिज भी तरल पदार्थ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड जैसे खनिज आपकी कोशिकाओं को पानी अवशोषित करने में मदद करते हैं। शरीर में नमक की कमी होने से भी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अधिकांश स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में ये इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं।